हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और ये पर्टिकुलर वीडियो उस टॉपिक पर है। बच्चे आजकल फ्रेक्वेंटली आज जो क्वेश्चन हो गया ये कि मैं एनसीईआरटी बुक कहाँ से डाउनलोड करूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल अपने नहीं जा पा रहे हैं कि वो अपने बुक्स परचेस कर पाए, और इसी के लिए वो कमेंट करते हैं कि सर मुझे प्लीज़ पीडीएफ की लिंक दे दीजिए अपनी बुक की। क्लास 8, 9, 10 हर जगह से मुझे ये कमेंट आ चुका। अब तो यार हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा ये कमेंट कर देता है कि भैया मुझे एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ दे दीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चैप्टर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर या किसी एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको वो चैप्टर की लिंक वाइज मैं उस बुक का लिंक दे सकूँ। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीका बताता हूँ, चाहे आप ये वाला छोटा वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हों, चाहे आप ये स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका केवल एक सिंगल चीज करने से आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूं, लैपटॉप स्क्रीन पर ले जा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप से ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फोन, चाहे आपकी छोटी मोबाइल फोन हो, चाहे बड़ी मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, बस गूगल चलना चाहिए। गूगल चल रहा है, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। कैसे कैसे मैं डाउनलोड करता हूं मैं आपको बताता हूं। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको बताता हूं आप कैसे क्लास 8, कैसे क्लास 9, 10, 11, आप किसी भी क्लास में हो, वहां की जो एनसीईआरटी बुक आपकी चलती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 8th में हो आप और आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, इसके लिए आपको चैप्टर का नाम पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर 1 डाल दिया, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड। नाउ तुमने ये टाइप कर दिया और कर दिया आपने इंटर। ये देखो, आपको ये पहला वाला ऑप्शन ही मिल जाता है और इसके लास्ट में लिखा गया है पीडीएफ। सिंपली क्लिक करो, आपकी बुक ओपन हो जाएगी। ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपके सामने खुल के आ चुका है। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 है। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करो। हमारा जो डाउनलोडिंग है वो पूछेगा कि आप कहाँ पर भी चाहते हो, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, प्रेम नाम दे देता हूँ मैं, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो प्रोसेस हो गया हमारा इंग्लिश का, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लिश के लिए ही ये काम आएगा, आप कोई भी चैप्टर का नाम डालो, बस लास्ट में डाल देना एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 ले लिया, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड। फिर से हमने क्लिक किया, ये जो पहला वाला दिख रहा है ना, इसको ओपन किया, भाई आगे हमारे सामने हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, और यहां से जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये लैपटॉप के लिए ही नहीं, बल्कि आप अपने फोन में, चाहे एंड्रॉइड फोन चला रहे हो, चाहे छोटा वाला फोन चला रहे हो, अगर गूगल चल रहा है तो सिंपली आप क्रोम पर जाना, फिर से बता दे रहा हूं, चैप्टर का नाम लिखो। जैसे क्लास 8th के साइंस का एक चैप्टर है ये सेल वाला जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आप ऐसे कर सकते हो, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एनसीईआरटी पीडीएफ। अब आप देखोगे आपके पास जो पहला वाला ऑप्शन आएगा ये है, यहां पर क्लिक करो और एनसीईआरटी पीडीएफ आपका डाउनलोड हो गया, यहां जाके डाउनलोड कर लो। है कि नहीं सिंपल? ऐसे ही आप क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th किसी का भी चाहते हो, आप सिंपली आप चैप्टर का नाम डालो गूगल पर, एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड, आपका जो एनसीईआरटी पीडीएफ है वो खुलकर ओपन हो जाएगा आपके साथ। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके साथ और आप अपनी बुक्स इजिली यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।